बालक अष्टावक्र संवाद। प्राचीन काल में भारत के महान ज्ञानियों में अष्टावक्र का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बचपन से बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बचपन से ही जनक जैसे ज्ञानी से संवाद करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। जनक जी के साथ उनका संवाद प्रस्तुत है। अष्टावक्र। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? माँ, पुत्र अष्टावक्र, तुम्हारे पिताजी महाराज जनक की सभा में विद्वानों के साथ कई दिवसों से ज्ञान पर चर्चा के लिए गए हैं। वहाँ पर अनेक महाज्ञानी आए हुए हैं, इसीलिए वे अभी तक राजमहल से वापस नहीं आए हैं। अष्टावक्र। माँ, मैं भी कल राजा जनक की राजसभा दरबार में जाऊंगा। माँ, बेटा, राजदरबार में विद्वानों के मध्य तुम्हें इस छोटी उम्र में प्रवेश कैसे मिलेगा? अष्टावक्र। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को अपने साथ लेकर शीघ्र आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर विद्वानों की सभा लगी है और ज्ञान एवं सिद्धांत की बातों पर चर्चा हो रही है। अष्टावक्र। महाराज, अष्टावक्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अष्टावक्र को देखकर सभा में बैठे सभी ज्ञानी जन बोल उठते हैं, देखो यह कैसे टेढ़े मेढ़े शरीर वाला बालक है। क्या यह बालक हम सभी ज्ञानी जनों के बीच शास्त्रार्थ करने आया है? तभी सभा में बैठे कुछ विद्वान उसके शरीर की अवस्था को देखकर उसका परिहास करते हैं। तभी जनक, आप ज्ञानी जन इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र, हे राजन, आपकी सभा में जितने भी आत्मज्ञानी बैठे हैं वे सभी मेरे शरीर की बनावट देखकर हंस रहे हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि आत्मा शरीर के भीतर है और वह सब प्रकार से निर्मल है। आप इनसे पूछिए कि क्या नदी के टेढ़े मेढ़े होने पर जल के गुणों में टेढ़ापन आ सकता है? क्या शरीर के टेढ़े मेढ़े होने का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है? जनक, अष्टावक्र, तुम्हारे विचार तो काफी उत्तम हैं। मैं तुम्हारी ज्ञान युक्त बात सुनकर प्रसन्न हूं, इसलिए आपको उपहार में कुछ भेंट करना चाहता हूं। अष्टावक्र, हे महाराज, आपके पास अपनी कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप मुझे दे सकते हैं? जनक, मैं तुम्हें अपना राज्य भेंट करता हूं। अष्टावक्र, महाराज, यह राज्य आपका है ही नहीं, यह आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जनक, ठीक है, मैं तुम्हें धन देता हूं। अष्टावक्र, हे राजन, यह धन भी आपका नहीं है, यह तो प्रजा का है। जनक, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शरीर दान देता हूं। अष्टावक्र, यह शरीर भी आपका नहीं है, इसका स्वामी आत्मा है, यह आत्मा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इसका मुख्य स्वामी ईश्वर है। जनक, मैं तुम्हें अपने मन को समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र, अच्छा ठीक है, तो आप अपना मन दे दीजिए। जनक, अब यह मन आपके अधीन हुआ, मुझे राज्य चलाने का निर्देश दीजिए। अष्टावक्र, हे राजन, जब आपका मन मेरे अधीन हो गया है तो राज्य कैसे चलाएंगे? अष्टावक्र की ज्ञान भरी बातों से जनक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जनक, हे अष्टावक्र, मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हुआ और आपको परम ज्ञानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभा में बैठे विद्वान गण सभी एक स्वर से, हे अष्टावक्र,
आप हम सभी को आपके शरीर को देखकर हंसने के लिए क्षमा करें। आप तो परम ज्ञानी हैं। हम लोगों को आज सच्चा ज्ञान हो गया। शरीर की सुंदरता से आत्मा की सुंदरता श्रेष्ठ है। आप धन्य हैं। अब अष्टावक्र अपने पिताजी के साथ अपनी माँ के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं।